control app. Get ready. We are going on air live. 5, 4, 3, 2, 1. Hello, control app. From the beginning of the interview, I have been asked repeatedly that after having written in Kannada all my life, why did I choose suddenly to write in English? How dare I write in English and betray Kannada? I already told you, I wrote the novel in English because it bursted out in English and there is no other explanation. This novel is about my younger sister Malini, who is suffering from meningomycosis. I nursed her for her last 6 years. I am childless, and she became my child. Main angrezi. I must here acknowledge the support I received from one person while I wrote the novel, my husband, Pramod Murthy. I would like to thank Shree TV, and I request you to please go through my book and send your feedback. I eagerly wait for that. Namaskar. Thank you. Hello, Manjula. Hello. Hello. Hello, Manjula. I am here. Kaun ho tu? There was a time when critics would have said I was your conscience. Antaratma ki awaaz ya jagrit chetna. Nuks agar nikalna hi hai, to jo tum apne behen ke baare mein keh rahi thi, वो बेहद दर्दनाक था वाकई में, पर क्या रोना जरूरी था? मैंने कोई ढोंग नहीं किया, मुझे मालिनी से बेहद लगाव था, मतलब आज भी है। मैं जितना प्यार उससे करती थी, उतना प्यार मैं आज तक कभी किसी से नहीं कर पाई, मेरे पति से भी नहीं। पर मालिनी, वो दोनों तो काफी नजदीक थे ना? मालिनी वो प्रमोद को बेहद पसंद करती थी और उसे भी वो अच्छी लगती थी, लेकिन उसके जैसे हालातों में कई पेशेंट्स का वजन बढ़ता जाता है, उसकी बात ही कुछ और थी, बदन फुर्तीला, आवाज में जादू, अप्सरा थी मेरी बहन। उतना ही नहीं, जिस्म जैसे कोई अजंता की मूरत, तुम्हारे जिस्म की तुलना उसके भरे पूरे जिस्म के साथ की होगी। आई एक्सेप्ट, आई हैव ऑलवेज बीन रिकंसाइल्ड टू बी द सेकेंड बेस्ट। प्रमोद झट से उसके करीब आ गया, पूरे रंगमंच को ही घेर कर बैठ गया, और जब आसपास दो औरतें हों तो प्रमोद भी फुदकता ही रहता था। हाँ, उसे भी तुम पर फक्र होगा, है ना? उपन्यास की कामयाबी, उपन्यास में उसकी अभिव्यक्ति का विशिष्ट चित्रण, वो भी हो सकता है, लेकिन उसने जिस तरह मेरे पीठ पीछे मेरे ही घर पर कब्जा जमाया, उसे मासूम तो नहीं कहा जा सकता। कैसे? एक दिन मैंने बिना आवाज किए दरवाजा खोला, अंदर बहस छिड़ी हुई थी जैसे पति पत्नी के बीच में होती है। मैं अंदर गई, दोनों चौंक गए, ऐसे घबरा गए मानो जैसे 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 चोरी छिपे चल रहे संभोग के बीच मैं घुस गई हूँ। और रियली दरअसल मैं ही दंग रह गई थी। देयर वर ओकेशंस व्हेन आई फेल्ट This is not my home. I am an intruder here. Someone external to the soul of this house, along with the cook, nurse, and maid. Malini, तुम्हारे घर आई। क्या इसका असर तुम्हारे बिस्तर में या बिस्तर में प्रमोद के आने में हुआ? क्यों हो भला? वो थोड़े कमर के नीचे से पैरालाइज था।
there were moments when I wondered if he was fantasizing about Malini instead of me in bed with him. और बगल के कमरे में तुम्हारी बहन तुम दोनों के बारे में सोचते झटपटा रही थी. क्या मालिनी जानती थी कि तुम ये उपन्यास लिख रही हो? कैसे जानती भला? उसे लिखने के बारे में मुझे भी तो कुछ नहीं सूझा था. वो जैसे अपने आप बरसने लगा, बहता चला गया. मानना होगा वो तो अब नहीं रही. उसके गुजर जाने के दो हफ्तों के अंदर ही तुमने उपन्यास पूरा किया, सुधारा, टाइप किया और ब्रिटिश साहित्य के एजेंट को भेज भी दिया. दो ही हफ्तों में 115,000 वर्ड्स इन 2 वीक्स, 10,000 वर्ड्स अ डे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के काबिल. चुप हो जाओ, चुप. मैं मानती हूं कि वो उपन्यास मैंने नहीं लिखा, मेरी बहन मालिनी ने लिखा है. उसमें छपा हुआ एक एक लफ्ज मालिनी का लिखा हुआ है. पिछले कुछ महीनों से अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. वो लगातार लैपटॉप में कुछ ना कुछ करती रहती थी. मैं जानती थी कि वो जरूर कुछ ना कुछ लिख रही है. उसके गुजर जाने के बाद मैंने उसकी पेटी खोली और देखा उसमें बैंक के बिलों के अलावा और कुछ था ही नहीं. मैं प्रमोद के ऑफिस गई, ड्रॉर खोला और देखा वो वहां पर था. सब कुछ वहां पर था, न सिर्फ फ्लॉपी बल्कि उपन्यास के पन्नों को प्रिंट करके ठीक ढंग से जमा कर रखा गया था. उन पन्नों में जहर का सैलाब उबल रहा था, वो जलजला था. इसमें कोई शक नहीं था कि उसमें जो भाभी का किरदार है वो मैं ही थी. मैं एक कुत्सित बुद्धि की प्रतिभाहीन डंब औरत थी. ऐसी थी मैं कि अपनी बहन को भी सिर्फ इसलिए लाई थी क्योंकि उसके पास ढेर सारे पैसे थे. लेकिन लिखाई में कहीं पर भी विशेषणों का प्रयोग नहीं था. जो जहां जैसे हुआ, जैसे कहा गया, उसे बिल्कुल वैसे लिखा गया था. A work of a genius. शायद इसी वजह से प्रमोद ने छिपाकर रखा तुमसे. हाँ, शायद, या फिर छिपाकर रखने की कोशिश की. उसे तो ऐसे ही लगता था. लेकिन उसे उपन्यास के गायब होने की खबर भी तब मिली जब उसे एजेंट का ईमेल आया. वहां कब्र से मालिनी लगातार उकसा रही थी. इस सुंदर कृति को फाड़ दो दीदी, जला दो. लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाती. मुझे जीतना ही था और जीतने के लिए मुझे एक ऐसी तरकीब की जरूरत थी जो उसने सपने में भी कभी नहीं सोची होगी. शायद इस बार एक फायदा जरूर था, तुम जिंदा थी और वो नहीं. मैंने उस उपन्यास को अपने नाम से प्रकाशित किया. आखिरकार मैं जीत ही गई. मगर किसे पता शायद आखिर में वो जीत गई हो. वो कैसे? अगर उसका मकसद यही था कि तुम्हें दिखाए कि तुम कितनी गिरी हुई हो तो वो अपने मकसद में यकीनन कामयाब रही. मैं अंग्रेजी उपन्यासकार मंजुला नायनी मेरे उपन्यास को पढ़ने के बाद मिल गई और फिर मेरा भी अवतार बनकर लौट आई. शी वाज मोर फिट टू मी. मतलब मुझे मंजुला नायनी बनकर ही अपनी जिंदगी बितानी होगी. आफ्टर ऑल माय पासपोर्ट, बैंक अकाउंट, फाइनेंशियल पेपर सारे मैच थे. और इतना ही नहीं, 7 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में एज अ विजिटिंग प्रोफेसर मुझे बुलाया गया. पर सच कहूँ तो मैं मालिनी नायक, मेरी प्रतिभावान बहन जिसने मेरे पति से प्यार किया, कन्नड़ जानने वाली, इंग्लिश के बेस्ट सेलर लिखने वाली, इंग्लिश में जानने वाली, मेरी दीदी कन्नड़ लघु कहानी लेखक, मेरे उपन्यास को पढ़ने के बाद फिर मेरे उपन्यास को